हेलो फ्रेंड्स, जमशेद जोन में आपका स्वागत है। मैं हूँ जेबा। फ्रेंड्स, आज मैं केएफसी स्टाइल फ्राइड चिकन बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। 300 ग्राम रिफाइंड ऑयल, 2 अंडे, 3 टेबल स्पून पिसा हुआ ब्रेड, मैंने ताज़ा ब्रेड को पीसा है, 3 टेबल स्पून ओट्स, 3 टेबल स्पून मैदा, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 1/2 टीस्पून नमक, 1 नींबू का रस, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून दूध। अब मैंने टूथपिक लिया है, इसे चिकन पे होल कर देना है, जगह जगह होल करना है ताकि मसाला अंदर तक जाए। सारे पीसेस पे ऐसे ही होल बनाना है। मैंने सारे पीसेस को रेडी कर लिया है। अब चिकन को मैरिनेट करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, नींबू का रस, गरम मसाला पाउडर, नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, काली मिर्च पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब मैं इसकी कोटिंग तैयार करने जा रही हूँ। इसकी कोटिंग 2 बार तैयार करना है। 1/2 कॉर्नफ्लोर, 1/2 मैदा, 1/2 ओट्स, 1/2 पिसा हुआ ब्रेड, थोड़ा सा नमक। अभी से मिक्स कर देना है। पांच मिनट हो चुके हैं। अब चिकन की कोटिंग करना है। इसे हर साइड से कोट करना है। मैंने सारे चिकन के पीसेस की कोटिंग कर ली है। अभी से 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। अब दोनों अंडे को मिक्स कर देना है। फिर इसमें दूध डाल देना है। फिर से इसे मिक्स करना है। फिर से मैंने एक बोल लिया है। अब मैंने जो 1/2 बचाया था सभी आइटम्स को इसमें डाल देना है। कॉर्नफ्लोर, मैदा, पिसा हुआ ब्रेड, ओट्स और नमक। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। चिकन की कोटिंग करके रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी कोटिंग अंडे में करनी है। इसमें डीप करके फिर
फिर से कोटिंग करनी है इसकी। मैंने सारे पीसेस की फिर से कोटिंग कर ली है। अब मैं इसे 5 मिनट के बाद फ्राई करूंगी। चिकन के कोटिंग हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे फ्राई करने जा रही हूँ। पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें तेल डालना है। इसे हाई फ्लेम पे गर्म करना है। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें चिकन डालना है। ज़्यादा ज़्यादा पीस नहीं डालना है, कम कम ही फ्राई करना है। अब इसे पलट देना है। इसे धीरे धीरे टच करना है। अब फ्लेम को लो कर देना है क्योंकि चिकन को पकना है अंदर तक। जब तेल ठंडा लगे तो थोड़ा सा तेज कर देना, हल्का सा। मैं इसे लो फ्लेम पे चारों तरफ से पलट कर पका रही हूँ। मैंने इसे 13 मिनट तक फ्राई किया है लो और मीडियम फ्लेम पर। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। मैंने चिकन के सारे पीसेस को फ्राई कर लिया है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी यह रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। मैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ जल्दी अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।